नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है एक अच्छी, सच्ची, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की। हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आपका भी योगदान मिले, आप भी शामिल हों, और इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का द डेली शो। बीजेपी के दूसरे सबसे शक्तिशाली नेता अमित शाह की जो डिजिटल रैली बिहार में हुई है, वो एक तरह से फ्लॉप रैली थी, लेकिन उस फ्लॉप रैली से भी हम कुछ दो तीन खास बातें निकाल सकते हैं। मैं उन्हीं की चर्चा आज आपसे करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो उनकी रैली से ये साफ हो गया कि इस बार बीजेपी बिहार में चुनाव आक्रामक हिंदुत्ववादी मुद्दों पर लड़ेगी। उन्होंने जिन मुद्दों को सबसे ज़्यादा जोर शोर से उठाया वे थे मुस्लिम महिला तलाक बिल, अयोध्या में मंदिर निर्माण, CAA NRC का इशू और धारा 370 को हटाए जाना। ये उनके मुख्य प्लैंक थे चुनाव के। अपने मतदाताओं को एड्रेस करते हुए वो ये चीज़ें कन्वे कर रहे थे। दूसरा, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि बिहार के जो बदहाली के जो मुद्दे हैं उनको उन्होंने नहीं छुआ, बल्कि कुछ ऐसे विवादास्पद आंकड़ों के ज़रिए उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि 15 साल में बिहार की तकदीर पलट गई है, बिहार की तस्वीर बदल गई है, बिहार सरपट विकास के रास्ते पर दौड़ रहा है, वगैरह वगैरह। हकीकत हम सबको पता है। तीसरी जो खास बात थी वो ये थी कि उन्होंने एक बार फिर से कहा कि बीजेपी यानी NDA इस बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ेगा। ये बात वो पहले भी कह चुके हैं, बीजेपी के दूसरे नेता भी इसको दोहराते रहे हैं। सुशील मोदी ने कुछ समय पहले कहा था कि युद्ध के बीच में कमांडर नहीं बदला जाता और हमारे कमांडर नीतीश कुमार ही रहेंगे। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार ही कमांडर रहेंगे, ये बार बार दोहराना क्यों पड़ रहा है बीजेपी को, बीजेपी के पावरफुल लीडर्स को ये बार बार क्यों कहना पड़ रहा है? इसलिए कहना पड़ रहा है कि बार बार संदेह उठ रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर। नीतीश कुमार जिस ढंग से पेश आ रहे हैं, उनके हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज तमाम तरह के संदेह पैदा कर रही है, और दूसरी जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बन गई हैं उनकी वजह से भी। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि नीतीश कुमार बहुत ही अलोकप्रिय हो चुके हैं इस दौरान। ये कहा जा रहा है कि वो लालू यादव के बराबर अलोकप्रिय नेता हो गए हैं अब बिहार में, और ऐसे अलोकप्रिय नेता को लेकर चुनाव में उतरना कहाँ की समझदारी होगी। ये बीजेपी के अपने नेता अंदर खाने जब बात करते हैं तो ये बात उठती है। तो एक तो अलोकप्रिय हो गए हैं, दूसरे उनके साथ दिक्कत ये है कि कुछ अनमने से दिख रहे हैं, ख़ासतौर से कोरोना क्राइसिस के दौरान जिस तरह से उन्होंने जो मज़दूरों का सवाल है उसको हैंडल किया, वो नहीं चाहते थे कि मज़दूर वापस आएँ, आए भी तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत उन्होंने नहीं किया, खुश होकर नहीं उनको स्वीकार किया। तो ये चीज़ें थी जिससे ये लग रहा है कि वो बहुत अनमने हैं। तीसरी बात ये है कि जो बीजेपी की एग्रेसिव पॉलिसी है हिंदुत्व को लेकर, उससे उनका अपना जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो भी जितना भी जुड़ा हुआ है, वो छिटक गया है। अब वो इनके साथ नहीं है, नीतीश कुमार के साथ पूरी तरह से मोहभंग हो चुका है। मोहभंग तो पूरे बिहार की जनता का हो चुका है नीतीश कुमार से, क्योंकि उन्हें 15 साल मिले और वो बिहार में कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाए हैं। घोर निराशा में है इस समय पूरा बिहार, और नीतीश के नेतृत्व से उसे कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई है। तो एक इस वातावरण में ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार बीजेपी ऐसे नेता के कमांडरशिप में चुनाव क्यों लड़ेगी, जंग क्यों उतरेगी। ये एक सवाल उठ रहा है। दरअसल दिक्कत ये है बीजेपी के पास साथ कि बीजेपी के पास कोई नीतीश कुमार जैसा नेता नहीं है। ये कहा जा रहा है उनके पास जो नेता हैं सुशील मोदी, वो उस कद के नहीं बन पाए हैं। अगर बीजेपी चाहे तो केंद्र से रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह वगैरह किसी नेता को अपना नेता बनाकर चुनाव में उतर सकती है, लेकिन उसकी अपनी कुछ दिक्कतें हैं,
बिहार में उसका अपना जो बेस है वो उतना पुख्ता नहीं है कि अपने दम पर वो चुनाव लड़के चुनाव जीत जाए, ये मोटे तौर पर मान्यता है। हालांकि पिछले चुनाव में उसे 24% मत मिले थे और जो बाकी दोनों पार्टियां हैं उनको उसके मुकाबले काफ़ी कम वोट मिले थे। RJD को करीब 18% मिले थे और JDU को करीब 16% वोट मिले थे, तो अंतर काफ़ी है। लेकिन चूँकि JDU और RJD मिलकर चुनाव लड़े थे, महागठबंधन का चुनाव था, इसलिए BJP को सीटें बहुत कम हो गई थी। अब अभी तक जितने भी चुनाव BJP ने वहाँ लड़के और सत्ता में हिस्सेदारी पाई है वो JDU के कंधे पर सवार होकर पाई है, तो उसको लगता है कि अगर ये कंधा छोड़ दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि नैया ही डूब जाए। तो इसलिए, और फिर दूसरी बात यह है कि वहाँ के लीडर्स का जो आत्मविश्वास है वो बहुत बढ़ा हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए हाईकमान को भी लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ जाना ठीक होगा। जो भी नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है वो BJP का वोट बैंक से साथ मिलकर चुनाव की वैतरणी पार लगा सकता है। तो ये मोटे तौर पर उसका कैलकुलेशन है जिसकी वजह से वो नीतीश कुमार को साथ रख रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल बिहार में ये भी पूछा जा रहा है कि ठीक है, चुनाव में तो नीतीश कुमार का इस्तेमाल BJP करेगी, चुनाव के बाद क्या करेगी? क्या चुनाव के बाद डंप कर देगी नीतीश कुमार को? इसकी पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार से खुश नहीं है BJP हाईकमान। बस ये है कि उनको ढो रही है, जब तक ढोना पड़ेगा। तो जैसे ही चुनाव होंगे, अगर स्थितियां ऐसी बनी कि BJP की अच्छी खासी सीट आ गई, तो वो दो तरह से ये काम कर सकती है कि एक तो नीतीश कुमार को बोले, बहुत 15 साल आप यहाँ के मुख्यमंत्री रह गए, अब जाइए केंद्र में मंत्री बन जाइए और यहाँ अब BJP का मुख्यमंत्री होगा। दूसरा ये हो सकता है कि JDU को ही वो तोड़ डाले। पार्टी तोड़ने में तो अमित शाह और मोदी जी का कोई जवाब नहीं है, तो JDU को भी तोड़ा जा सकता है। JDU को तोड़कर और कुछ और पार्टियों के का गठबंधन बना के वो अपना सरकार बना सकती है। LJP चिराग पासवान कह चुके हैं कि ये BJP को तय करना है कि किसके कौन नेता होगा गठबंधन का, तो उसमें दूसरे जो सहयोगी हैं उनसे कोई बहुत दिक्कत पेश आने वाली नहीं है। तो ये एक परिदृश्य बनता है चुनाव के बाद का। एक परिदृश्य और भी बनता है जिसके बारे में अभी थोड़ी कम चर्चा हो रही है कि धीरे धीरे जैसे जैसे चुनावी गर्मी बढ़ेगी, और जाहिर है कि जो मोदी और शाह अपनी कैंपेन है वो हिंदुत्व के आधार पर और ज़्यादा तीखी करेंगे, तेज़ करेंगे, और उसमें नीतीश कुमार के लिए और भी परेशानियाँ होंगी। मसलन नीतीश कुमार, अब देखिए जो बिहार में करीब 104 सीटें ऐसी हैं जिनमें मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी उपस्थिति है और वहाँ पर वो प्रभावित कर सकते हैं नतीजों को। इनमें से 64 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की आबादी जो है वो 25-30% है। तो अगर ये इतनी सीटों पर नीतीश कमज़ोर होते हैं तो उनकी दावेदारी भी कमज़ोर होती है और चुनाव के बाद उनकी स्थिति भी कमज़ोर होती है। तो एक स्थिति ये बन रही है कि नीतीश कुमार अपनी भी कुछ खिचड़ी पकाने में लगे हुए हैं, हालांकि उनके पास विकल्प बहुत कम रह गए हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने RJD को धोखा दिया और फिर BJP के साथ मिल गए थे, उससे स्थितियां ये बन गई हैं कि वो कहीं और नहीं जा सकते हैं। और तीसरा फ्रंट खड़ा करने की हैसियत औकात उनकी रह नहीं गई है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर फ्रंट होगा। तो इसलिए नीतीश कुमार के सामने विकल्प कम है, इसलिए ये बहुत मुमकिन है कि वो BJP के साथ ही चलेंगे। और अगर मुस्लिम मतदाता उनसे छिटक रहे तो वो कोशिश करेंगे कि BJP के हिंदुत्व के पर वो भी सवार हो जाएं और हिंदुत्व के नाम पर वोट आएं तो उनकी भी सीटें बढ़ जाएं। अभी उनकी बारगेनिंग पावर है उनके पास, क्योंकि जितनी सीटें वो लाए हैं पिछले बार, जो जितनी सीटों पर जो दोनों पार्टियां लड़ी थीं उससे कम पर तो वो लड़ेंगे नहीं, और ये समय BJP की थोड़ी मजबूरी है, इसलिए वो उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो नीतीश कुमार का गेम प्लान तो ये हो सकता है, लेकिन BJP का गेम प्लान आगे चल के थोड़ा बदल सकता है, और वो इस तरह से कि जब हिंदुत्व की लहर उठाई जाएगी और हो सकता है कुछ दंगे वंगे भी हों या करवाए जाएं जिससे पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स बढ़े, सांप्रदायिकता जितनी ज़्यादा हो सके चुनावी अभियान में घोल दी जाए। BJP का ये अपना अनुभव है कि जब हिंदुत्व को उठाया जाता है तो जो जातीय
दीवारें वो टूट जाती हैं, ढह जाती हैं और हिंदुत्व की छतरी के नीचे सारी जातियाँ जब आ जाती हैं तो एक लहर बन जाती है। ये उसने उत्तर प्रदेश में करके देख लिया। मुजफ्फरपुर दंगों के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक हिंदुत्व की छतरी खड़ी हो गई और जो जातियों के आधार पर अपनी राजनीति कर रहे थे सपा और बसपा, दोनों परास्त हो गए। उन बहुत सारे मतदाता उनके बीजेपी के पास चले गए और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। तो ये स्थितियाँ बिहार में भी वो निर्मित करना चाहेगी, क्योंकि ये उसके पास हसीन मौका है, स्वर्णिम अवसर है। पहली बार जब वो वहाँ की सत्ता पर अपनी दावेदारी को मजबूत कर सकती है, अपना अपने नेतृत्व में सरकार बना सकती है, और वो ये मौका छोड़ेगी इसमें शक है। पूरे उत्तर पश्चिमी भारत में अकेला बिहार राज्य है जहाँ पर बीजेपी अभी अपने नेतृत्व में सरकार नहीं बना पाई है। बाकी सब जगह उसने अपनी सरकारें बनाई हैं या अपने नेतृत्व में गठबंधन की सरकारें बनाई, केवल बिहार रह गया है। तो ये एक अच्छा मौका है, ये निश्चित रूप से हाईकमान को भी दिख रहा होगा। बीजेपी के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो भी इसके लिए दबाव डाल रहे होंगे, क्योंकि नीतीश के साथ काम करना बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा भी अनुभव नहीं रहा है। तो ये एक मामला बन सकता है कि एक पूरी इस बार दांव खेला जाए हिंदुत्व पर और उसके बल पर चुनाव लड़ा जाए और अधिकतम सीटें जीती जाएं। अगर ऐसा होता है तो अगले 2-3 महीने में आपको एक नई रणनीति बीजेपी की खुलती हुई दिखेगी, और अगर इस तरह की रणनीति चली गई तो ये नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल भरा समय होगा, क्योंकि या तो वो मजबूरी में ज़्यादा सीटें बीजेपी को देंगे या फिर उससे अलग होंगे, तो वो उस स्थिति में भी वो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो अब ये बीजेपी को तय करना है कि बीजेपी नीतीश कुमार को कब तक ढोएगी, मोदी और शाह नीतीश कुमार को कब तक ढोएंगे, अब जबकि वो बहुत अलोकप्रिय हो गए हैं, उनसे पूरी राज्य की जनता का मोह भंग हो गया है, पूरा प्रदेश एक नए नेतृत्व की तलाश में है, नए विकल्प की तलाश में है। अब ये विकल्प RJD महागठबंधन देता है या फिर BJP देती है, ये देखने की बात होगी। और कौन से गठबंधन, कौन से विकल्प को बिहार के मतदाता ज़्यादा प्रिफर करेंगे, हो सकता है, क्योंकि अगर मुस्लिम मतदाताओं का मोह भंग हुआ है और वो महागठबंधन की तरफ आते हैं और RJD अपने वोट को इंटैक्ट रख पाती है, तो ये उसके लिए कहना चाहिए कि ज़्यादा सहूलियत वाला चुनाव हो सकता है। हालांकि अभी RJD बहुत कमज़ोर स्थिति में है, महागठबंधन में भी कई तरह की दरारें हैं, कई तरह के टकराव हैं, सीटों को लेकर झगड़ा है, ये तमाम मुसीबतें इधर भी हैं। लेकिन वो जो नई बिसात बिछेगी उसमें BJP कहाँ खड़ी है, नीतीश कुमार कहाँ खड़े हैं और महागठबंधन कहाँ खड़ा है, और पूरा जो जातीय और धार्मिक सांपिक जो समीकरण बनता है वो किस तरह से बनता है, ये अगले 2-3 महीनों में स्पष्ट होगा। अभी 3 से 4 महीने हैं चुनाव के लिए और ये काफ़ी वक्त होता है किसी भी चुनावी रणनीति को नए सिरे से बनाने या नए तरह के तालमेल के साथ चुनाव में जाने के लिए। और मोदी शाह इस मामले में एक्सपर्ट हैं, वो किसी भी तरह की सरप्राइज दे सकते हैं चुनाव में, इसलिए अभी से ये मानकर चल लेना कि नीतीश कुमार को ही आगे रखकर वो चुनाव लड़ेंगे, ये भी बहुत समझदारी नहीं होगी। आज की तारीख में लगता है कि नीतीश कुमार नेता हैं, लेकिन आज से 1.5-2 महीने बाद क्या परिस्थितियाँ बनेंगी, ये कहना मुश्किल है। फिलहाल अगर ये सवाल अभी बना रहेगा लोगों के दिमाग में, इसके जवाब अभी नहीं मिलेंगे कि नीतीश कुमार को मोदी शाह कब तक ढूंढेंगे या नीतीश कुमार के बिना क्या BJP चुनाव में जाएगी और क्या चुनाव के बाद मोदी शाह नीतीश को कूड़ेदान में फेंक देंगे। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो चर्चा, अमित शाह की डिजिटल रैली, उसके प्रभाव और उससे जो संदेश निकलते हैं उन पर। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे लाइक करेंगे, आप इसे शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।